ABPS News। देश में 24 घंटे में 31,000 नए संक्रमित, 412 संक्रमितों की गई जान। ग्लोबल टीचर पुरस्कार विजेता रंजीत सिंह दिल से कोरोना वायरस से संक्रमित। बिहार में कोरोना वायरस से 3 और मरीजों की मौत, 690 नए मामले। कृषि कानूनों पर बोले कमलनाथ, देश को बर्बाद कर देगी हवा में चल रही सरकार। इसराइल में 27 दिसंबर से शुरू होगा टीकाकरण, टीका लगवाने वाले पहले शख्स बनना चाहते हैं नेतन्याहू। स्पेन के बादलोना में एक इमारत में लगी आग, 17 लोग झुलसे, 2 की गंभीर हालत। ब्रिटेन के संसद में उठा किसानों के आंदोलन का मुद्दा। विमित हो जॉनसन ने बताया भारत पाकिस्तान के बीच का विवाद, उम्मीद की राह पर अमेरिका के राष्ट्रपति, कहा अगला प्रशासन भी होगा ट्रंप प्रशासन। IAM के विरोध पर भड़के आयुर्वेद डॉक्टर, किया प्रदर्शन। आजम खां की यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा कर सकती है सरकार, सारे सबूत जौहर ट्रस्ट के खिलाफ। दोहरे हत्याकांड की अब नए सिरे से होगी जांच, कातिल तक पहुंचने के लिए मुरादाबाद पुलिस करेगी यह काम। मुरादाबाद में 38 वार्डों में घर घर कूड़ा उठाने के लिए 3 कंपनियों ने डाले टेंडर। डंडे और बेल्ट से हुई थी मुरादाबाद के विपिन की पिटाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल ले राज। मुरादाबाद कोरोना वायरस न्यूज, जिले में छात्र समेत 13 मिले कोरोना संक्रमित, 14 हुए स्वस्थ। चुनाव में दूसरों को समर्थन देने पर भड़के पड़ोसी मुरादाबाद की महिला से दुष्कर्म का प्रयास, नशे में धुत पति ने पत्नी को पीटा, टूट गए हाथ और पैर की हड्डी। मुरादाबाद महिला थाने में पहुंची पीड़िता। 83 लाख में बना था पुराना संसद भवन, नए पर 971 करोड़ की लागत। संशोधन और कानून वापसी के बीच अटकी बात, किसान नेता बोले सरकार ने नियोक्ते का इंतजार। LOC पर भारत की चौकसी से दहशत में पाकिस्तान, सता रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का डर। अब वाईफाई क्रांति की दस्तक, ऐप के जरिए देश के हर कोने कोने में मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। मुरादाबाद 7 किशोरियों समेत 48 कोरोना संक्रमित, कोरोना वैक्सीन स्टोरेज के लिए उत्तर प्रदेश में बनेंगे 35,000 केंद्र, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। 2 साल में कन्वेंट स्कूलों को टक्कर देंगे बेसिक परिषद के स्कूल। गंगा एक्सप्रेस मेरठ में प्रयागराज के बीच गुजरने वाले एक्सप्रेसवे में हरदोई भी शामिल। रामपुर में हादसे रोकने को पुलिस ने की वाहनों की चेकिंग,